वैसे तो हमारा देश पुरुष प्रधान है, लेकिन इस पुरुष प्रधान देश पर महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कानून हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने ऊपर हो रहे शोषण को खत्म कर सकती हैं। जरूरत है सिर्फ उन्हें जानने की। तो अगर महिला पढ़ी लिखी है या फिर अनपढ़ है, उसे अपने इन अधिकारों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको बताएंगे आपसे जुड़े 6 महत्वपूर्ण कानून जो संविधान में सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। वर्किंग प्लेस पर उत्पीड़न के खिलाफ कानून। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि शिकायत दर्ज करने के बाद जांच पेंडिंग रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाती है। नाम सार्वजनिक ना करने या छुपाने का कानून। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ऐसे मामलों में कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने मामला दर्ज करा सकती है। कई बार रेप की शिकार महिलाएं पुलिस की जांच मुकदमे से होने वाली बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं करा पाती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने इसके लिए नए नियम लागू किए हैं। रेप केस की सुनवाई महिला जज ही करेगी। महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी। पीड़िता के बयान परिवार वालों की मौजूदगी में दर्ज होंगे। रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा। साथ ही गिरफ्तार महिला के नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी बनती है। महिला को मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही हथकड़ी लगाई जा सकती है और एक महिला को महिला लॉकअप में ही रखा जाना चाहिए। समान वेतन का अधिकार। समान वेतन अधिनियम 1976 में एक ही तरीके के काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी पुरुष के बराबर ही काम कर रही है तो उसे पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। मातृत्व का अधिकार। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट हर कामकाजी महिला का अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है और इस दौरान महिला की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जा सकती। मुफ्त कानूनी मदद लेने का अधिकार। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद निःशुल्क है। वो अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है। ये केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति वाली महिला के लिए जरूरी है और कानूनन हक है। तो ये थे महिलाओं से जुड़े वो 6 संवैधानिक कानून जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हैं। इनका इस्तेमाल करके हर महिला अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म कर सकती है, लेकिन ज़रूरत है इन कानूनों को जानने की और सही समय पर याद रख के इनका इस्तेमाल करने की। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर news.com की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे।